Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. Sorry for the delay of video. कुछ दिन के लिए डिले हो गई थी वीडियो और ये वॉशिंगटन एबिन की स्टोरीज़ की सीरीज़ है, टू पार्ट सीरीज़ है और आज इसका फर्स्ट पार्ट है. वॉशिंगटन एबिन की आज फर्स्ट पार्ट में उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी की समरी बताऊंगी, जो एक गॉथिक स्टोरी है और ये 1919 या 1920 में पब्लिश हुई थी. इसका नाम है द लेजेंड ऑफ स्लीपी होलो. इसका जो टाइम जोन है स्टोरी का वो 1719 है और 1790 और इसका जो प्लेस है वो है न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में एक टाउन है स्लीपी होलो. वो उसका ये जो स्टोरी का जो प्लेस है वो ये है स्लीपी होलो. तो ये स्लीपी होलो है ना, ये हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए, गोस्ट के लिए फेमस है क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट हैं स्लीपी होलो के, वो ये बताते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डच आए थे तो उन्होंने कुछ जादू टोना करा था इस टाउन पे, इस वजह से ये हॉन्टेड है. और कुछ लोगों का ये मानना था कि यहाँ पे एक अमेरिकन चीफ आए थे, वो जादूगर थे, कबीले के जादूगर थे और उन्होंने कुछ जादू टोना सा कर रखा है यहाँ पे, तो इस वजह से ये हॉन्टेड सा लगता है, हॉन्टेड सा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, कुछ अजीब मिस्टीरियस सा एटमॉस्फेयर है, हॉन्टिंग सा एटमॉस्फेयर है, तो ऐसे बताते हैं लोग. कह रहे हैं जब तक कि ऐसे ही था, क्योंकि जब तक कि ये हेनरिक हडसन है, उन्होंने जब तक स्लीपी होलो को नहीं ढूंढा था तब तक का ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो ज़्यादा ऐसे ही था. तो ऐसे आपस में लोग बताते हैं, तो कई लोग यहाँ की स्टोरी बताते हैं और इन सब में से हॉन्टेड स्टोरीज़ में से, मिस्टीरियस स्टोरीज़ में, गोस्ट स्टोरीज़ में जो सबसे फेमस है वो है हेडलेस हॉर्समैन की. ये एक हेडलेस हॉर्समैन है और ये रात में निकलता है अपना सर ढूंढने के लिए. तो इसकी जो गोस्ट स्टोरी है वो क्योंकि गोस्ट है ये ऑब्वियस, तो इसकी जो स्टोरी है बहुत ही फेमस है वहाँ पे. तो यहाँ पे एक इचाबोड क्रेन है. ये जो इचाबोड क्रेन है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के और ये एक स्कूल टीचर है. ये फेमस है यहाँ पर लोगों में क्योंकि ये जो फार्मर्स हैं ना उनकी हेल्प करते हैं, उनके छोटे मोटे काम करते हैं, फेंस लगाते हैं, फेंस लगाने में उनकी मदद करते हैं, उनकी जो फार्म एनिमल है उनकी टेक केयर करते हैं, तो उनके जो वुड है उसको काटते हैं, लकड़ी काटने का काम भी कर देते हैं, उनकी छोटे मोटे काम जो होते हैं फार्मर्स के, बहुत सारी ये लोगों की हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये फेमस हैं. ये लेडीज़ में भी काफ़ी फेमस हैं क्योंकि जो मदर्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनकी टेक केयर काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो इसलिए लेडीज़ में भी काफ़ी ये फेमस हैं. तो जो इचाबोड क्रेन है ना, इनका जो एक कंपटीशन चलता है पूरी स्टोरी में, किसी से कम्पीट करते हैं और उनका नाम है अब्राहम, सब उन्हें ब्रैम बोन्स कहते हैं. तो ये जो अब्राहम है ना, इनसे ये कंपटीशन करते हैं किसके लिए, कटरीना के लिए. कटरीना वैन टेसल ये एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल हैं और ये एक वेल्थी फार्मर है, उनकी बेटी हैं, तो उनसे मैरिज करना चाहते हैं ये इचाबोड क्रेन ऑब्वियस, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो वेल्थी हैं, तो ये इनकी भी लाइफ भी सेटल हो जाएगी, इसलिए ये भी उनसे शादी करना चाहते हैं. तो जो अब्राहम है वो भी उनसे शादी करना चाहते हैं, तो पूरी स्टोरी में इनसे ही कम्पीट करते रहते हैं. तो जो ये इचाबोड है ये एक डच लेडी, एक ओल्ड लेडी है, डच ओल्ड लेडी है, उसके पास ज़्यादा जाते हैं, तो वो इन्हें ना गोस्ट की और गोथिक गोस्ट की, गोबलिन की, इनकी काफ़ी स्टोरी ये बताती हैं, उन्हें सुनाती हैं, तो उनके पास जाते हैं तो उनको यही स्टोरियाँ ये बताती रहती हैं. तो एक दिन इनके पास इनविटेशन आता है कि कटरीना के जो फादर, उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, आपको भी बुलाया है. तो ये बड़े खुश होते हैं कि वहाँ पार्टी में जाएंगे तो ये कटरीना को प्रपोज़ करेंगे शादी के लिए. तो एक फार्मर से ये एक हॉर्स बोरो भी करते हैं, उस पर जाते हैं. तो जो पार्टी का माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, म्यूज़िक प्ले हो रहा है, एक दो लोग गा भी रहे हैं, सिंग मतलब वो लोग गा भी रहे हैं और काफ़ी लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं. तो जो लोग बात कर रहे हैं उनमें से कुछ ओल्ड मैंस हैं, ओल्डर पीपल हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये गोस्ट स्टोरी की ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि हॉन्टेड सा एटमोसफेयर रहता है, तो ये लोग आपस में यही ज़्यादा बात करते हैं. तो गोस्ट की बात करते करते, गोस्ट स्टोरी की बात करते करते ये हेडलेस हॉर्समैन की बात पे आ जाते हैं, उस गोस्ट पे आ जाते हैं. तो जो अब्राहम होते हैं वो भी इनके पास आते हैं, वो बताते हैं कि मैंने इस हेडलेस हॉर्समैन को देखा हुआ है. तो ऐसे बातें करते रहते हैं आपस में. तो पार्टी जब ओवर होती है
तो जो इच्छा बॉर्न है ये ना कटरीना को प्रपोज करते हैं शादी के लिए, लेकिन जो कटरीना होती हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं इन्हें। लेकिन स्टोरी में ये तो नहीं बताया कि वो रिजेक्ट क्यों करती हैं इन्हें, तो इन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। तो ये बहुत ही सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये जब अपने घर जा रहे होते हैं वापस उस हॉर्स के वापस घर जा रहे होते हैं, तो ये सोचते सोचते इन्हें वही लोगों की गोस्ट स्टोरीज़, उनकी स्टोरीज जो गॉथिक स्टोरीज होती हैं वो याद आनी शुरू हो जाती है। तो इन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है, तो इन्हें याद आ रही थी वो ये बातें रिमाइंड कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ से ये जा रहे होते हैं उस प्लेस की स्टोरी इन्हें रिमाइंड होती चली जाती है। तो इन्हें लगता है कि कोई ना इनका पीछा कर रहा है, तो पीछे देखते हैं कोई नहीं होता, तो फिर ही आगे बढ़ जाते हैं। तो तब भी इन्हें लगता है कि कोई तो इनका पीछा कर रहा है, तो आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई होता नहीं, कहीं से आवाज़ नहीं आती। तो जो इनका घोड़ा होता है ये भी काफ़ी रेस्टलेस सा होता है, तो ये जो घोड़ा होता है ये अंदर फॉरेस्ट में घुस जाता है। तो ये देखते हैं पीछे मुड़ के कि कौन है जो पीछा कर रहा है, पहले देखा तो नहीं दिखाई देता, तो ये दोबारा देखते हैं, तो देखते हैं तो पीछे वो हेडलेस हॉर्समैन दिखाई देता है इन्हें। तो ये बहुत डर जाते हैं और अपने घोड़े को काफ़ी तेज़ भगाते हैं। जब ये भगाते हैं इनको दिखाई देता है कि ब्रिज के उस पार, जब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे उस पार चर्च है, चर्च की लाइट दिखाई देती है। तो ये कहते हैं कि अगर ये ब्रिज क्रॉस कर लेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये बच जाएंगे। तो ये काफ़ी तेज़ अपने घोड़े को भगाते हैं और भगाते भगाते ये ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। तो जब ये ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं तो ये पीछे मुड़ के देते हैं, तो वो जो हॉर्समैन होता है वो वहाँ खड़ा होता है और वो इनकी तरफ, हॉर्समैन का जो हॉर्समैन के हाथ में ना एक उसका सर होता है, हाथ में कुछ गोल सा सर टाइप होता है वो उसके हाथ में होता है। तो जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो इनकी तरफ वो सर फेंकता है और जैसे ये नीचे झुकने वाले होते हैं लेकिन झुक नहीं पाते और वो आके इनके सर पे लगता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, तो जिस फार्मर से ये हॉर्स बोरो करके लेके जाते हैं उस फार्मर के गेट के आगे वो हॉर्स आ चुका है और वो कहता है, उसको भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि इच्छा बोर्ड कहाँ है, मेरा अगर हॉर्स यहाँ है तो वो कहाँ है। तो ऐसे करते जो विलेजर्स होते हैं, जो लोग होते हैं वो इच्छा बोर्ड की सर्च कर रहे होते हैं, उनको सर्च करते हैं कि वो कहाँ है। तो जब सर्च करते हैं तो इच्छा बोर्ड का जो हैट होती है वो दिखाई देती है ज़मीन पर गिरी हुई और साथ में पाइनएप्पल के पीसेस होते हैं। तो उनके घर जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इनका सामान होता नहीं है इच्छा बोर्ड का, तो ये सर्च करते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं चलता लोगों को, तो ये छोड़ देते हैं क्योंकि कोई इनका रिलेटिव तो होता नहीं है। तो थोड़ा वो सर्च करते हैं, नहीं मिलते तो ये छोड़ देते हैं लोग। अब इसमें स्टोरी में आगे ये बताया कि जो कटरीना है उनकी शादी अब्राहम से हो चुकी होती है। तो जो यहाँ के कई रेजिडेंट होते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं कि इचा बोर्ड को अब्राहम ने ही मारा है, हेडलेस हॉर्समैन बन के उसी ने मारा है। और कई जो रेजिडेंट होते हैं वो सोचते हैं जो इचा बोर्ड है, जब कटरीना ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो वो यहाँ से भाग गए। तो हर किसी की अलग ही कुछ स्टोरी होती है। तो इस स्टोरी का जो एंड है वो यही है। तो इच्छा बोर्ड का कुछ पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, वो ज़िंदा है या वो मर गए। तो कुछ लोग कुछ स्टोरी बताते हैं, कुछ लोग कुछ स्टोरी बता रहे होते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो यही है, एंड इसका यही है। और आई थिंक इसका एंड, अगर पढ़ने में मुझे गलती नहीं हुई तो यही इसका एंड है। अगर आप लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका एंड नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका एंड क्या है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी जो, उसमें भी वॉशिंगटन इरविंग की एक और स्टोरी की समरी बताऊंगी। तब तक टेक केयर, गुड बाय गाइस।